राजधानी में सावन के दूसरे सोमवार पर सुबह से शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर में भी हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे। श्रद्धालु जल, फूल, चंदन, बिलपत्र, भांग, धतूरा, धूप, दीप, गंध, दूध, शहद, शमी के पत्ते, फूल आदि से बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक किया। वहीं सुभाष कॉलोनी में मां भवानी शिव हनुमान मंदिर में भगवान सोमनाथ का निर्माण किया गया। साथ ही महिलाओं ने भी पार्थिव शिवलिंग बनाए। इसके पश्चात शिवलिंगों की मंत्रोच्चार विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की गई। सावन सोमवार का दूसरा सोमवार फिर शिवमय नजर आया शहर। सुबह से शिवालयों में लगी भक्तों की भीड़। जल, दूध, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, भांग से किया अभिषेक। वैदिक मंत्रों और विधि विधान से की पूजा अर्चना। सावन माह के दूसरे सोमवार पर एक बार फिर शहर शिवमय नजर आया। सुबह से ही शहर के बिरला मंदिर, पिपलेश्वर मंदिर, झरनेश्वर मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर, महाकाल मंदिर में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव जयकारों के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक किया गया और बेलपत्र, धतूरा, फूल, भांग, पंचामृत आदि अर्पित कर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं इस दौरान मां भवानी शिव हनुमान मंदिर सुभाष कॉलोनी में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर परिसर में भगवान सोमनाथ पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया गया। साथ ही महिला भक्तों ने सुबह 7 बजे छोटे छोटे 5,000 पार्थिव शिवलिंग निर्माण किए, जिनकी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। साथ ही जल, फूल, चंदन, बेलपत्र, भांग, धतूरा, धूप, दीप, गंध, दूध, शहद आदि से पार्थिव शिवलिंग की पूजा की गई। इस मौके पर पंडित अनिल शास्त्री और एक अन्य महिला श्रद्धालु ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मंदिर में श्रावण मास के द्वितीय सोमवार के दिन सोमनाथ भगवान का निर्माण हुआ और सभी श्रद्धालुजनों ने सैकड़ों की तादाद में, आप देख रहे हैं यहाँ पर मंदिर प्रांगण में, सभी श्रद्धालुजन सुबह 7 बजे आकर मां भवानी शिव हनुमान मंदिर प्रांगण में नित्य प्रतिदिन आकर भगवान का निर्माण करते हैं, अभिषेक करते हैं। और 5 तारीख को यहाँ पर मंदिर प्रांगण में 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण किया जाएगा और सभी का एक साथ में वैदिक विधि विधान से सभी का पूजन अभिषेक किया जाएगा। और जिस तरह उज्जैन की तरफ पर उज्जैन में बाबा महाकाल की भस्म आरती होती है, उसी तर्ज पर मां भवानी शिव हनुमान मंदिर परिसर में भी आने वाली तारीख 5 तारीख को 5 अगस्त को मां भवानी शिव हनुमान मंदिर प्रांगण में भी बाबा महाकाल की भस्म आरती होगी और आप सभी श्रद्धालुजन सादर आमंत्रित हैं। सावन सोमवार स्टार्ट हो रहे हैं, जिस सोमवार से ही सावन सोमवार स्टार्ट हुआ है, उस समय से सभी माताएं बहनें अपनी ये प्रतिदिन हर सोमवार या नहीं हर प्रतिदिन शिवलिंग बनाते हैं और उसमें विधि विधान से सभी माताएं बहनें मिलकर और पूजा पाठ करते हैं। जो भी मतलब शिव जी को चढ़ता है, पंचामृत है, जो अपनी बेल फूल सारी चीज़ों से बहनें अपनी उनका पूजन करते हैं और प्रतिदिन अच्छे से शिवलिंग की स्थापना करके पूजा पाठ करके और सब अपने जाती है और यही हर मतलब सावन के महीने भर चलेगा और सावन के लास्ट सोमवार के लास्ट दिन 5 तारीख को फिर भस्म आरती का प्रोग्राम शाम के समय मतलब रखा गया है। शास्त्री ने यह भी बताया कि 5 अगस्त को सोमवार के दिन मंदिर में भव्य आयोजन होगा। मंदिर परिसर में 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया जाएगा, जिनकी वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना की जाएगी और सावन के महीने में मंदिर परिसर में सावन मास में 1.25 लाख शिवलिंग निर्माण लक्ष्य है। EMT न्यूज़ भोपाल।